इतनी मध्य रात्रि को है मुर्दा जलाने वाली औरत, तुम भला कौन हो? इतनी रात में क्यों आई हो? हे देवी, आपकी अवस्था को देख करके मेरा दिल फटा जा रहा है। मैंने आज से पहले किसी महिला को यहां मुर्दा फूंकते हुए नहीं देखा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, ए दुखिया, क्या तू विधवा है? क्या तेरा पति नहीं है? और अगर है तो वो निर्दयी इस मृतक को लेकर के स्वयं क्यों नहीं आया? अगर तुम इस बात का जवाब नहीं देना चाहती तो मुझे कोई अधिकार नहीं है आपको ज्यादा पूछने का। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने किसकी आज्ञा से यहां चिता बनाई थी और किसकी आज्ञा से इस मुर्दे को जलाने का दुस्साहस कर रही हो। अब आपको मेरी बात का जवाब देना होगा। जवाब दीजिएगा। हे ईश्वर के नेक बंदे, हाँ, आप मुझसे मेरा परिचय जानना चाहते हैं? जी। तो मेरा परिचय तो बस इतना सा है कि मैं ईश्वर की सताई हुई वो दुखिया हूँ जिसके सामने आज दुनिया का हर दुख छोटा है। आप पूछते हो कि कहीं मैं विधवा तो नहीं? आपकी आंखों से निकला हुआ एक एक आंसू मुझे डरा रहा है। पता नहीं अचानक मेरे हृदय को जन क्या हो गया है। मैं विधवा नहीं हूँ। तो मेरा इस दुनिया में पति भी है। अरे, और मेरा एक बेटा भी था जिसे आज ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया। मेरी बेटी काली हो गई है। अरे, मुझे आपकी शमशान भूमि के नियमों के बारे में भी नहीं पता। और आज मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जिस इंसान ने कभी मेरे साथ साथ फेरे लिए, जो हमेशा सुख दुख में साथ निभाने का वादा करता था, हाँ, आज वही मुझे पहचानने से भूल गया है। क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं तो आपको नहीं जानता। तो मुझे गौर से देखो, मुझे ध्यान से देखो। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं पराई नहीं हूँ, आपकी पत्नी तारावती। और ये लाश भी किसी और की नहीं है, ये रोहताश की लाश है। नहीं, नहीं परवरदिगार, नहीं तारा, ऐसा मत कहिए तारा। मैं दुनिया के सारे दुख सहन कर सकता हूं, परंतु अपने जीते जी अपने बेटे को मृत अवस्था में नहीं देख सकता। परंतु अगर ये घटना घट गई है, अगर चे रोहतास मुझे छोड़ करके इस दुनिया से चला गया है, तो लाओ मुझे 125 रुपया और मुर्दे का कफन दीजिए, ताकि मैं अपने रोहतास को अपने हाथों से जला दूं। लाइए। हे महाराज, आप तो अच्छी तरह से देख रहे हैं, हाँ, कि मैं कितनी गरीब हूं। जिस इकलौते बेटे के लिए एक माँ के पास कफन तक नहीं है, मैंने उसकी लाश को भी कीड़े के पत्तों से ढक रखा है, तो मैं आपको कर कहां से दे दूं स्वामी? तो फिर क्या आपके पास कर और कफन भी नहीं है? नहीं है। अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है तो जा, चली जा यहां से, और अपने इस बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे, जा। अरे कैसे चली जाऊं महाराज, मैं कहां चली जाऊं, मैं क्यों चली जाऊं? क्या आज बुरे वक्त में मैं आपकी पत्नी तारावती नहीं रही हूं? अच्छा, क्या इस बुरे वक्त में यह आपका बेटा नहीं रहा है? क्या हमारे प्रति आपके सारे संबंध टूट गए हैं स्वामी? बस, अब आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। या तो चुपचाप यहां से चली जा, वरना तुझे और तेरे इस मृतक बेटे को लात मार के। नहीं महाराज,
ऐसा अनर्थ मत करो जिस इकलौते लाल को अपनी गोदी में खिलाया आज आप उसकी लाश में ठोकर मार रहे हैं। आप इतने बेदर्दी नहीं हो सकते हैं महाराज, आप इतने बेदर्दी नहीं हो सकते। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। अच्छा, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। अरे घाट पे समझ क्या उस दिल, घाट पे समझ क्या उस दिल, वो कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी सतसंगी हो जो कह दी ना घटा उठाऊं, मिस रानी सतसंगी हो। पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धांगी हूँ, मैं ना राजा, मैं तो ना राजा ना रहा, हरिश्चंद्र तेरी नजर में भंगी हो, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। अरे घाट पे समझ क्या सारी, अरे कहानी मेरे शरीर की इतनी स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं थी कि मैं उस घड़े को उठा सकूं। तू ब्राह्मणी बन गई थी, तूने पतिव्रत धर्म का भी पालन नहीं किया था। हे महाराज, कभी जब आपके धर्म की बात आई थी तो आपने अपने राजपाट को भी ठुकरा दिया था, यह तक कि अपनी पत्नी को, अपने छोटे से बच्चे को काशी के बाजार में बेच दिया था। मैंने आपसे मना नहीं किया था, लेकिन उस दिन मेरे धर्म की बात थी। अगर उस वक्त मैं आपके घड़े को हाथ लगाती तो मेरी मालकिनी मुझे कभी नहीं स्वीकारती, मुझे और मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाल देती। मैं औरत की जात कहाँ फिरती बच्चे को लेके, उस बात के लिए मुझे क्षमा कर दो महाराज। तो क्या तारा तू ये नहीं जानती थी कि इंसान कर्मों से नीच होता है और कर्मों से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है। हे तारा, मैंने कोई ऐसा नीच कर्म अपनी जिंदगी में नहीं किया जो आपने,
आपने मेरे खड़े को हाथ नहीं लगाया और नीचता की श्रेणी में रखा, आप बता क्या कहना चाहती है? सुन लो महाराज, लाना था पास तने तेरे बागों बीच फूक देती है, ना लाना था पास तने। अरे लात चिता में मत मारे, यो पाल्या था रोह दास तने तेरे बिना दिए महसूल घाट का फूकन दियो ना लास तने ने। आज नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी में, मोड़े चलिया है छोड़े चलिया मुख मोड़े चलिया हो, ब्याही से रिश्ते नाते तोड़ चलिया छोड़े चलिया मुख मोड़े चलिया पैसा झसीर मेरा क्या करे तो दे दूंगा के
पैसा जसीर मेरा। पर कैसी जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। हर घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी पत्नी हूं जिसने धर्म के लिए अपने बच्चे को अपनी पत्नी को बेच दिया, यहां तक कि खुद की स्वयं की काया को बेच दिया। जब आज तक मैंने आपके धर्म कार्य में कोई बाधा नहीं डाली तो आज कैसे डाल सकती हूं। एक तो मेरे पास सुहागन की निशानी मेरी एक कंठी है और एक मेरे सिर पर यह चीर है। महाराज इन्हें ले जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ चले जाइए। तारा ये चीर का टुकड़ा देकर के तुम मेरी जीते जी मृत्यु करना चाहती हो, क्योंकि सजनों बहुत गौर से सुनना। अरे नंगे सिर से रह लूंगी जापना फर्जनी भैये अब जिस ढाला रखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। जिस ढाला रखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। पर तेरा भी हक है बेटे में, अब तो दाग लग गई है तू। नई बस्ती गुरु धाम जयकरण हर दम शीश झुकी है तू। गुरु शरण दास चाहूं, शरण दास चाहूं सेवा ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी जमा।